Thank you. हमें काम करना ना बिल्कुल पसंद नहीं है वही सेम काम बार बार रिपीट करना और कितना बुरा लगता है ना किचन में वही चीजें वही काम वही रेसिपीज बनाना बार बार ऐसे स्टेटमेंट्स ना आपने भी सुने हैं और मैंने भी बहुत ढेर सारे सुने हैं लेकिन क्या वास्तव में जो हमारा खाने का काम है या जो हमारा किचन का काम है ये सही में बोरिंग है पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था और मैं भी यही कहा करती थी कि, कि कुकिंग करना मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तब जब मेरी शादी नहीं हुई थी और फिर मम्मी ने मुझे भेजा था मेरी नानी जी के पास मेरी शादी

एक बिरयानी बनाऊंगी बहुत बढ़िया और ये वाली सारी चीजें जो मैं छोटी छोटी करती हूं ना यह मुझे मेरी नानी जी ने ही बताई थी और मैं तो पूरे 24 घंटे पढ़ाई में लगी रहने वाली एक साइंस की स्टूडेंट थी लेकिन उन्होंने मुझे जिस ढंग से टेक्निकल चीज़ें खाने की बताई ना उससे मुझे वाकई ये लगा कि हाँ इसे हमें सीखना चाहिए और मैं शादी के बाद भी इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती रही तो जैसे वो खाना बनाती थी तो मैं उनके पास बैठ जाया करती थी और वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें बताती थी हल्दी कितनी डालनी है ज़्यादा डालने से क्या हो जाएगा और अगर धनिया पाउडर ज़्यादा हुआ तो सब्ज़ी का रंग काला पड़ जाएगा इस तरह से लौंग अगर ज़्यादा डाली तो सब्ज़ी कड़वी हो जाएगी और काली मिर्च ना लाली थोड़ी कम कम करके डालना इस तरीके की उनकी लैंग्वेज रहा करती थी और हाँ कचौड़ी में मोयन डाले तो सरसों के तेल का डालना तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं सब मैंने उनसे सीखी यानी मसालों की जो नॉलेज है वहां से शुरुआत हुई तो आलू थोड़े से फ्राई करके और थोड़ा सा पनीर फ्राई करके मैंने रख लिया है और ये भी उन्होंने ही मुझे बताया था और फिर जो चावल थे ना उनको जीरे में थोड़ा सा छोंक दिया और हाँ प्याज भी मैंने इसमें डाली ज़्यादा प्याज डालो सब्जी में तो सब्जी मीठी हो जाती है ऐसा उनका कहना था और जब कभी भी मसाला पीसो तो सारे खड़े मसाले डालो तो ये सारी चीजें उन्हीं की सिखाई हुई हैं तो प्याज के बाद थोड़ी सी आलू गाजर और आलू गोभी की सब्जी रखी हुई थी मॉर्निंग की वो मैंने मिक्स कर दी है देखिए इस तरह से और इसी में मैं चावल डाल दूंगी खिले खिले बनेंगे और उनका कहना था नींबू का रस जरूर डालना टेस्ट आ जाता है तो इस तरह से जो मैंने ये बिरयानी बनाई है ना इसमें लास्ट में मैंने क्या किया ऊपर से जो भी मैंने फ्राई किए थे ना पनीर और आलू वो डाले और ये मेरे दिमाग में हमेशा इस लिए रहता है कि सब लोग फ्राई नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा निकालने के बाद सारा मिक्स कर देंगे मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हमें कोई ऐसा जना सिखाए जिसको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है ना तो वो हमें चीज़ों के लिए इंटरेस्ट पैदा कर देता है मेरी नानी जी को एक दाल ही पता नहीं कितने किस्मों की बनानी आती थी और हर किस्म का अपना एक अलग टेस्ट था बनाते बनाते जाने कितनी बार वो चख के देखती थी तब जाके उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता था जब सही बन जाती थी और तभी वो खाने को सर्व करती थी तो मेरी ये चीज़ तैयार हो गई अभी एक और चीज बताऊंगी और इस तरह से शुरुआत हुई मेरे खाना बनाने की खाना सीखने की और जाने कितनी बार गलती करके मैं धीरे धीरे सीखती चली गई तो शुरुआत में ये सारी चीज़ें भी मुझे बोरिंग लगती थी क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती थी जॉब पर जाना होता था लेकिन पता नहीं क्यों खाना बनाने का ना मुझे बेहद शौक हो गया धीरे धीरे जब चीज़ें बिगड़ने के बाद मेरे से सही होने लगी तो आज ना मैं एक चीज़ और बना रही हूँ और वो है बैंगन का भरता लेकिन वो मैं आज नहीं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी कल मॉर्निंग में तो आज रात को ही मैं थोड़ी सी तैयारी करके रख दूंगी तो बैंगन जो होते हैं ना उनको आ, मतलब उनके अंदर थोड़े से लहसन डाल के फिर इन्हें भूनते हैं आ, ये भी उन्होंने ही मुझे सिखाया है एक्चुअली जितनी चीज़ें मुझे आती हैं उसमें से करीब सिक्सटी परसेंट चीज़ें उन्होंने ही मुझे सिखाई हैं और उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई है बेसिक चीज़ें जो बताई उनसे मुझे ये लगा कि हाँ वाकई कुकिंग में हम बहुत सारी चीज़ों का कमाल कर सकते हैं और इसी वजह से जब मैं खाना बनाती थी तो मेरे ससुर साहब भी हर जगह बैठ के ये कहते थे कि इसके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता लेयर वाला पराठा बनाना उन्होंने ही मुझे सिखाया था और यह भी बताया था कि लेयर कैसे बनती हैं और उसके बाद जब वो बेसिक चीज़ समझ में आ गई तो धीरे धीरे मैं उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करती रही यानी कि बढ़ाती रही और सही बताऊँ तो जो इंडियन कुकिंग है या जो हमारा इंडियन खाना है ना इसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश है क्या करने की एक्सपेरिमेंट करने की और ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं न, हैं ना वो बढ़िया ही बनते आज पहली बार एयर फ्रायर में मैं बैंगन को भून रही हूँ क्योंकि बैंगन जो रोस्ट होते हैं वो आग आग पे जो है ना जैसे गैस पे या चूल्हे पे सबसे बढ़िया सौंधे स्वाद के होते हैं लेकिन मैंने कहा चलो आजकल की मॉडर्न कुकिंग है इसमें करके देखते हैं नहीं अच्छा लगेगा तो फिर से कहीं और मतलब दोबारा से अपने उसी बैक टू रूटीन गैस पे आ जाएंगे लेकिन एयर फ्रायर में इसको लगाया मैंने थोड़ा सा ही इस तरीके से मुश्किल से अंदर जाता है और उसके बाद 200 डिग्री के टेम्परेचर पे मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए रख दिया और फिर मैं लग गई दोबारा दूसरे कामों में ये पहली बार मैं कर रही थी तो पहले सोचा 20 मिनट्स का लगाऊं लेकिन हाँ 30 मिनट्स का बिल्कुल परफेक्ट रहा और जब ये भुन गए ना तो बहुत ही बढ़िया तैयार हुए और देखिए ये जो बैंगन भुने ना इसमें ये बहुत बढ़िया भुने अच्छे रहे बिल्कुल जैसे हम गैस पे भूनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से और ये बढ़िया तरह से गल भी गए थे और एक चीज़ और जब इनका भरता बनाया ना तो सारा भरते के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें कोई भी चीज़ हम पीसते नहीं हैं सारी चीज़ें यानी प्याज हुआ हरी मिर्च अदरक लहसुन ये सब हम काट के डालते हैं तो कुछ चीज़ों की आदत ऐसे बन गई कि जो भी सब्जी बनानी होती है ना उसके लिए हाथ अपने आप चलने लगते हैं पता रहता है कि इसके लिए हमें कैसा काम करना है और सबसे बड़ी बात होती है कि जो हाथ चलने वाली बात है ना तो वो अपनी किचन में सबसे बढ़िया हाथ चलता है और अगर सब्जी में कुछ ऐब आ भी जाए ना तो उसे से ढक दो मतलब एक ऐसी चीजें हैं जब भी मैं ये सब सोचती हूँ ना तो मुझे उनकी याद आ जाती है खाना बनाते वक्त माँ की याद पता नहीं कितनी बार आती है कि उन्होंने मुझे कितनी सारी चीजें सिखाई अगर मैं उनके पास नहीं जाती तो ये सारी चीजें मैं शायद नहीं सीख पाती और मेरा लगाव बिल्कुल इस चीज के लिए बढ़ता गया और मैंने ना उसके बाद बहुत सारी बुक क्स भी मंगाई पढ़ने के लिए अभी आगे बढ़ते हैं अभी मैंने ना गाजर बॉईल करी है थोड़ा सा मैं बनाऊंगी हलवा थोड़ा सा करीब मुझे अंदाज़ा नहीं कितनी ये गाजर थी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि गाजर का हलवा जब आप बनाएं तो गाजर को वॉश कर लीजिए और छीलने के बाद उन्हें कद्दूकस कर लीजिए लेकिन अगर आप झटपट हलवा बनाना चाहते हैं ना किसी भी तरह का भी तो सबसे पहले आप जो आपकी कसी हुई गाजर है उसे चार पाँच बार अच्छी तरह से पानी से वॉश करिए हम कहते हैं ना कटी हुई सब्जियों को नहीं वॉश करना चाहिए लेकिन इससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद कुकर में सीटी दे के थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल कर लीजिए और सारा पानी निचोड़ने के बाद इसको थोड़ा सा भूनिए चीनी डाल दीजिए और जब चीनी का पानी सूख जाए तो उसके बाद इसमें खोआ डाल दीजिए अगर मलाई डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इसे चलाना पड़ेगा इलायची पाउडर और मेवे डाल दीजिए हलवा तैयार है और हलवे की ये रेसिपी मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाई थी और हाँ जो मैं ये वॉश करने वाली बात बता रही हूँ ये भी मुझे किसी ने सिखाई थी यानी कि जब कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगता है ना तो हम छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करने लगते हैं अक्सर जब मैं जाती थी ना चाट वगैरह खाने के लिए तो भैया से पूछती थी कि आप ये जो बनाते हो ना गोलगप्पे किस तरह से बनाते हो इसमें क्या डलता है आप आटे के क्यों नहीं बनाते हो सूजी के क्यों बनाते हो यानी चीजें क्या हैं? कुछ चीजें ना हमें अपने आप सीखने को मिल जाती हैं और कुछ गुण तो हमें ईश्वर दे देता है सुबह का जो सबसे पहला काम होता है वो ईश्वर की पूजा करना क्योंकि देखो ये आप कहोगे कि ऑफ़ द टॉपिक में चली गई लेकिन एक दिन की शुरुआत ऐसे होती है कि हम जल्दी जल्दी अपने काम निपटाते हैं लेकिन मेरे दो काम ऐसे हैं जिसमें कभी भी कोई जल्दी नहीं हो सकती है एक है मेरा पूजा का काम चाहे दिन भर के कितने ही काम आगे पीछे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पूजा बहुत तसली से और शांति से करती हूँ और आज बना रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया मिर्च जिसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए जैसे मेथी दाना राई और खड़ा जी मतलब जीरा ले लिया साबुत और खड़ा धनिया लिया और थोड़ा सा बेसन डाल के ना ऑयल में और इन मसालों को भूना और जो कटी हुई मिर्च होती है वो हम इसमें डालेंगे तो एक्चुअली ये ना बहुत टेस्टी रेसिपी है और हाँ लहसन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा ये एक्चुअली मिर्च कुटे की रेसिपी है आप इसे बना के रख लीजिए मिस्सी रोटी के संग किसी भी रोटी के संग खाएंगे ना बहुत टेस्टी ये लगती है और इसमें हाँ कसा हुआ अदरक बिल्कुल मत भूलिएगा ये सारी चीज़ें जो है ना आपके खाने के स्वाद को पता नहीं कितना गुना बढ़ा देती हैं और ये सारी चीज़ें ना मेरे घर पे हमेशा मिलती हैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है और धनिया पाउडर डाल दिया लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च को गलने तक इसमें हम पका लेंगे मिर्च मोटी मोटी काट रखी हैं और उसके बाद हम इसको जैसे टमाटर थोड़े से डाल के और गला लेंगे ये थोड़ा ऑप्शनल है टमाटर से टेस्टी लगने लगती हैं और उसके बाद जब ये पक जाए तो नींबू का रस डाल दीजिए यानी किसी भी चीज़ की अगर आपको इंटेंसिटी कम करनी हो ना खासकर मिर्च की तो उसमें खट्टा मिलाने से वो चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं तो ये तैयार हो गया मिर्च कुटा जो ठाकुर जी का दूध होता है नेक्स्ट डे मेरी चाय में काम आता है बिल्कुल मतलब ये चीज़ें कभी बदल नहीं सकती हैं और मेरा सुबह काम खत्म हो गया है जैसे मैंने दूध बॉयल कर लिया है और अब मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट बहुत सारी चीज़ों का मैं बना लेती हूँ लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल पैट अपनी रखनी चाहिए और उसमें से एक है मूँग की दाल मूँग की दाल को मैंने सोख कर दिया था दो घंटे के लिए हरी मिर्च डाली अदरक डाला थोड़ा सा पानी डाल के बारीक पेस्ट इसका मैंने बना लिया है और अब इस पेस्ट में जैसे हमने प्याज डाल ली थोड़ा सा जितनी भी सब्ज़ी आप खाते हैं वो सब्जियां डाल ली हैं और थोड़ा सा नमक डाला है थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकाला इसमें मिला दिया थोड़ा सा इनो और फिर इसका एक मोटा चीला टाइप में बना लेती हूँ तो कुछ चीज़ें अपनी ऐसी रखनी चाहिए कि जब आपको कुछ भी ना सूझे तो वो चीज़ें आपके बिल्कुल तुरंत आपके दिमाग में आए और आप बना सकें तो माँ क्या करती थी उनकी ना कुछ रेसिपी थी कोई आए तो पालक पनीर बना दो और अगर कोई आए नाश्ता बनाना है तो मूंगलेट बना दो तो देखिए ये मूंगलेट मैंने दो तरीकों से तैयार कर लिए इंडियन कुकिंग ना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है किचन में मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ और जब मैं किचन में काम करती हूँ तो पता नहीं कितने और काम भी मैं कर लेती हूँ और उन्हीं में से है ये मेरे आज थोड़े से ब्रास के आइटम्स थे थोड़ा थोड़ा करके सबको क्लीन करती रहती हूँ चमकाती रहती हूँ तो ये सब काम तब हो पाता है जब मुझे किचन में मेरा मन लगता है बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखती हूँ बदलती रहती हूँ यानी कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट मतलब किसी भी चीज़ में जगाने के लिए ना उस एरिया को साफ़ सुथरा कर लो तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी आजकल जो मौसम चल

और उसके बाद अगर आपको जल्दी है ना थोड़ी सी तो इसमें मिल्क मेड मिला लीजिए मिल्क मेड घर पे बनाना भी मैंने आपको बताया था और मेरी नानी जी को भी मिल्क मेड घर पे बनाना आता था बहुत सारे मसाले बहुत सारे क्या सारे ही मसाले वो घर पर ही बनाया करती थी जैसे सांभर मसाला उनका आज तक मेरे पास लिखा हुआ रखा है और इमली की चटनी बहुत बढ़िया वो बनाती थी और साउथ इंडियन चीज़ें तो उनकी एक्सपर्टीज थी मीठे में कुछ समझ नहीं आए तो खीर बना दो और वो भी फिरनी ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी तो इसके लिए एक दूध तो मैंने अलग रख लिया है बॉयल होने के लिए और कढ़ाई में दूध रखा है गाढ़ा होने के लिए और थोड़े से चावल मैंने सोख होने रख दिए थे और इसको दूध के साथ दरदरा पीस लेंगे चावल को बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे और दो तरह के दूध जो गैस पर चढ़े हुए हैं ना एक तो गाढ़ा होने के लिए है उसकी रबड़ी सी बनेगी और एक जो नॉर्मल गाढ़ा हो रहा है उसमें हम इन चावलों को मिक्स कर देंगे अब देखिए जो ये दूध था ना इसकी बिल्कुल रबड़ी जैसी बन जाती है गाढ़ा हो जाता है इसको एक तरफ रख देंगे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फिर क्या करेंगे जो हमने चावल पीसे थे उनको दूध में मतलब मिक्स करके पका लेंगे और जब ये गाढ़ा हो जाएगा यानी कि चावल जब पक जाएंगे तो हम इसमें जो हमने खोआ या रबड़ी सी बनाई है उसे मिक्स कर देंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे बहुत ही अच्छी फिरनी तैयार हो जाएगी और हाँ चीनी डालना नहीं भूलना है तो मम्मी क्या करती थी फिरनी बहुत बनाया करती थी तो उनसे मैंने ये सीखी है और मेरे लिए अब कुकिंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि ये बोरिंग हो बल्कि किचन में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और इसी तरह गाजर की खीर बनाई एक बार तो गाजर की खीर थोड़ी पतली रह गई और मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा टेस्टी नहीं बनी है तो गाजर की खीर बनाने के लिए दूध बॉयल होने के बाद गाजर मिक्स कर देते हैं और पकाते हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी गाजर ना पीस कर भी मिला दीजिए और फिर अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाइए ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए चीनी डालिए डाल बहुत ही बढ़िया गाजर की खीर बनती है यानी कि कभी भी जो मीठा है ना जो स्वीट रेसिपी होती है मार्केट से लाने की जरूरत ना पड़े ये हमें घर में ही आनी चाहिए और एक झटपट वाली कलाकंद की रेसिपी है जो कि मेरे घर में बहुत ज्यादा बनती है और इसे मैं बताती हूँ आपको 500 ग्राम पनीर खूब अच्छी तरीके से मैश कर लिया। लिया एक पैन लिया और उसमें मैंने डाला मिल्क पाउडर तीन बड़े चम्मच और इसी में मैंने ऐड कर दिया मिल्क मेड, मिल्क मेड का पूरा एक टिन ले लिया है ताकि आपको मेज़र करके बता सकूँ और इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं डाला कोई शुगर नहीं डाली है और अब इसको चलाएँगे जैसे जैसे चलाएंगे ये थोड़ा सा पतला होता जाएगा और जैसे ही ये दोनों चीज़ें देंगे टेस्टी रेसिपी है कि बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाई है तो जब कभी भी गेस्ट वगैरह आए ना तो फटाफट ये एक स्वीट रेसिपी आप बनाइए और इससे हम ना गाजर से बिल्कुल इसे अलग सा टेस्ट देंगे जब इसमें हम पनीर डालेंगे और लगातार चलाएंगे तो धीरे धीरे हम इसको गाढ़ा करेंगे और ये हमें मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर ही करना है और फिर हम इसमें डाल देंगे गाजर जब इसमें गाजर डालेंगे तो थोड़ा सा ये पतला होगा लगातार चलाएंगे और इसे इतना गाढ़ा कर लेंगे कि जब हम इसे किसी पैन में जमाएं तो अच्छी तरह तरीके से ये बर्फी की तरीके से जम जाए इसमें हम कोई भी शुगर या ऑयल नहीं डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के जमा लेंगे बढ़िया कलाकंद तैयार है एक दो घंटे के लिए बस इसे सेट होने के लिए रख दीजिए तो मेरे लिए तो कुकिंग बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है बल्कि घर का कोई भी काम बोरिंग नहीं है बहुत मन लगा के करने की कोशिश करती हूँ अच्छा लगता है खुश रहती हूँ तो काम करने में मजा भी आता है तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था कि आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा तो फिर मिलेंगे एक नए रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स थैंक यू एंड